हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस फ्रॉम येलो बर्ड इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोग के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह शेयर करता हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कह रहे हैं बिल C-19। बिल C-19 इज बेसिकली अ बिल दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 इन द पार्लियामेंट ऑफ कैनेडा, जिसका बेसिक मकसद ये था कि वो लोग जो थे वो कह रहे थे कि हमारे पास में जितने भी एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, जो PR लेकर के आ रहे हैं, उन सभी के पास में हाई स्कोर है। सिर्फ हाई स्कोर से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, उनकी इकोनॉमी ड्राइव नहीं होती। यंग एप्लीकेंट हाई स्कोर बना लेता है, आ जाता है, लेकिन उनके काम का नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे पास में सिर्फ वो एप्लीकेशन ज्यादा आए जिनकी ऑक्यूपेशन एक्चुअल डिमांड में है। इससे इनकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इनके पास में एक राइट एप्लीकेंट का, एक जिसे कहते हैं ना कि जो हाई पे टैक्स पेयर्स होते हैं, वो आ जाएंगे। अब ये जो चीज थी, इसको इन्होंने पास किया था इन 2021 के अंदर, और 2021 में इस बिल को पास करने के बाद में इसकी नोटिफिकेशन जो फर्स्ट आई थी वो आई थी 2022 इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में इन्होंने ये कहा था कि ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू फाइनली इंट्रोड्यूस इट, हम इसको लेकर के आ रहे हैं इन द ईयर 2023 फर्स्ट क्वार्टर में या फिर बिफोर फर्स्ट हाफ। अब इसमें होगा क्या? अब इसके अंदर जितने भी ग्रुप बेस्ड यानी टारगेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, और हेल्थ केयर सेक्टर की जो रैंकिंग होगी, जो CRS का स्कोर होगा, उसकी रैंकिंग किसी भी रैंडम एप्लीकेंट के साथ में नहीं हो रही, वो उसी की ऑक्यूपेशन जितने भी लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, 200,000 लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम को, उसमें से 10,000 लोग अगर सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर के हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर वाले एप्लीकेंट्स के CRS की कैलकुलेशन या उनकी रैंकिंग सिर्फ उसी ग्रुप में रहेगी। दैट विल बी आउट ऑफ 10,000 ओनली, पूरे 200,000 लोगों में से नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जिनकी ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा डिमांड में है। अच्छी बात यह है कि जिनकी ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं भी है, उनके लिए भी CRS प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेस एंट्री या प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो, या आपका CEC हो, या स्टडी के ऊपर वर्क परमिट वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हो, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जैसे चल रहे थे एग्जैक्टली वैसे के वैसा चलेंगे, ये रुक नहीं रहे, एंड दिस विल कंटिन्यू। तो ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हु माइट नॉट बी इनटू द हाईएस्ट डिमांडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट। हाउएवर, द प्रोग्राम स्टिल इज एक्टिव, एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम हम लोग अप्लाई कर पाएं, आपकी प्रोफाइल को अप्लाई कर पाएं फॉर परमानेंट रेजिडेंस, then you can definitely contact me on the numbers which is mentioned in the description. My name is Prince and this is Yellow Bird Immigration Services. Hamara mission yahi hai ki hum zyada se zyada logo ko achhi service provide kar paye, transparent program provide kar paye, ek reasonable cost ke andar unko aur unki puri family ko bahar settle kar paye. Agar aap single hain, koi problem nahi hai, aapko bhi settle kar denge. You can contact me. Thank you so much.